की दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं इस सभा के अंदर, इस आयोजन के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित करें। आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र। सैपर प्रकाश जाधव, द कोर ऑफ इंजीनियर्स, फर्स्ट बटालियन, द राफेल राइफल्स, मरणोपरांत 27 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के रेडवानी वाला गांव में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई करते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने रक्षा कवच की मदद से अपने साथियों के साथ सुबह लगभग 3:30 बजे निर्धारित घर में प्रवेश किया। तलाशी दल को सीढ़ियों के ऊपर आता देख आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने साथी के लिए उत्पन्न हुए खतरे को भांपते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने साथी को पीछे धकेलकर सुरक्षित किया। आतंकवादियों की गोलियों की बौछार के बीच अपने सटीक निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया। इसी दौरान दूसरे आतंकवादी ने गोलीबारी करते हुए तलाशी दल पर पेट्रोल पंप से हमला किया। कुशल नेतृत्व क्षमता और संयम दिखाते हुए सैपर जाधव ने अपने साथियों को बाहर निकलने का निर्देश दिया। इसी दौरान गोली लगने से घायल होने के बावजूद आतंकवादियों का निडरता पूर्वक मुकाबला करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी निरस्त कर दिया। इस बीच पेट्रोल पंप की आग पूरे घर में फैलने से सैपर प्रकाश जाधव घर से निकलने में विफल रहे। अंततः अपने साथियों की जान बचाते हुए गंभीर घावों और आग की लपटों में झुलसने के कारण राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए। सैपर प्रकाश जाधव ने अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य परायणता तथा असाधारण सेवा भाव का परिचय देते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय प्रकाश जाधव की पत्नी श्रीमती रानी प्रकाश जाधव एवं माता श्रीमती शारदा जाधव, शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र, मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, 55th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जाबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर
सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराए। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश ए मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर डोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढोंडियाल। नायक सूबेदार सोमवीर द जाट रेजिमेंट 34th बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। मरणोपरांत नायक सूबेदार सोमवीर 34th राष्ट्रीय राइफल्स जाट की उस असॉल्ट टीम का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की योजना तैयार की तथा उसे अंजाम देते हुए तीन कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। लक्षित मकान की घेराबंदी करते समय नायब सूबेदार सोमवीर ने विशिष्ट सैन्य कुशलता तथा साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सबसे संभावित रास्तों पर अपनी और अपने साथी की तैनाती की। एक आतंकवादी ने भीषण गोलीबारी के साथ साथ ग्रेनेड दागते हुए उस घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया जिसमें उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। नायब सूबेदार सोमवीर ने अपने साथी को खतरे में देख स्वयं के प्राणों की परवाह न करते हुए जख्मी होने के बावजूद आमने सामने की लड़ाई में उस आतंकवादी को मार गिराया। बाद में उसकी पहचान एक खूंखार विदेशी आतंकवादी के रूप में की गई। सीने में एवं गर्दन में गोलियां लगने के कारण अंततः वो वीरगति को प्राप्त हुए। नायब सूबेदार सोमवीर ने भीषण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता तथा अटूट निस्वार्थ सेवा भाव का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक सूबेदार सोमवीर की पत्नी श्रीमती सुमन देवी एवं माता श्रीमती राजेंद्र देवी। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल ADC। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला अति विशिष्ट सेवा मेडल नौसेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
मार्शल राजकरण सिंह शेरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।